नमस्कार दोस्तों, इमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। वेनिस शहर इटली में स्थित बेहद ही खूबसूरत शहरों में से एक है, जो 117 छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है और बहुत ही शानदार ब्रिजेस के द्वारा कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ वेनिस शहर की ऐसी कुछ बातें जो आप नहीं जानते। वेनिस शहर 117 छोटे छोटे द्वीपों को लेकर बना है, इसलिए ये छोटे छोटे द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत ही शानदार 417 ब्रिजेस हैं, जिनमें 73 ब्रिजेस प्राइवेट हैं। पेरिस शहर के बाद वेनिस शहर को दुनिया का दूसरा खूबसूरत शहरों में से माना जाता है। वेनिस शहर दुनिया का इकलौता शहर है जो पानी पर बसा हुआ है, यही कारण है कि यहाँ एक भी कार और सड़कें दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर कोई भी रोड नहीं होने के कारण पोस्टमैन और टूरिस्ट के लिए रास्ता ढूंढना काफी मुश्किल होता है। इस शहर की चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ कबूतरों को दाने खिलाने पर भी प्रतिबंध है। दुनिया का पहला ग्रेजुएट महिला वेनिस शहर में 1646 साल में पैदा हुई थी। वेनिस शहर गोंडोलास के लिए जाना जाता है। गोंडोला वेनिस की पारंपरिक नावों को कहा जाता है, जो लंबी लेकिन पतली होती है और 8 अलग अलग तरह के लकड़ियों से बना होता है। वेनिस शहर पानी पर बसे होने के कारण यहाँ पर गोंडोला ही यातायात का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। हर गोंडोला का वजन 600 केजी तक होती है। वेनिस शहर में लगभग 400 से ज्यादा गोंडोलाज मौजूद हैं। वेनिस शहर बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक है। अगर आप घूमने का मन बना रहे हैं तो इस शहर का खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ आसमान पर देखो तो सूरज नजर आता है और जमीन पर देखो तो भी पानी की नहरों में सूरज नजर आता है। इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। वेनिस शहर में हर साल 1,80,00,000 पर्यटक घूमने आते हैं, यानी हर रोज वेनिस शहर में लगभग 50,000 लोग घूमने आते हैं। लेकिन वेनिस का सबसे मशहूर फेस्टिवल कार्निवल ऑफ वेनिस के वक्त लगभग 30,00,000 पर्यटक घूमने आते हैं। इस फेस्टिवल में एक तरह का मुखौटा पहना जाता है। इन मुखौटों को पहनने पर बहुत सख्त कानून भी है। 1608 में बना कानून के मुताबिक यहाँ के लोग सिर्फ 10 तरह के मुखौटे पहन सकते हैं। अगर कोई दूसरी तरह की मुखौटा पहनते पकड़ा गया तो 2 साल तक की जेल हो सकती है। वेनिस इटली का एक जादुई शहर है, जिसे पानी का शहर, नहरों का शहर, पुलों का शहर, तैरता हुआ शहर, रोशनी का शहर, नकाबों का शहर, इटली की मलिका का शहर भी कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि 2040 से पहले वेनिस शहर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी में डूब चुका होगा, इसलिए अगर डूबता हुआ शहर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वेनिस शहर 414 वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है, जो 160 स्क्वायर माइल के बराबर है। सामुद्रिक लेवल से यहाँ का जमीन सिर्फ 1 मीटर ऊंचाई पर है। वेनिस शहर की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। इस शहर की टाइम जोन को सेंट्रल यूरोपियन टाइम जोन कहा जाता है। भारत से वेनिस शहर की दूरी है 6600 किलोमीटर, जहाँ फ्लाइट में जाने पर 15 घंटे की समय लग सकती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें।